इजरायली सेना ने रफा पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। पूर्वी रफा पर इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है। वहीं रफा क्रॉसिंग तक इजरायली सेना के युद्ध टैंक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच रफा में हमास को बचाने के लिए हिजबुल्ला उसकी ढाल बनकर सामने आ रहा है। दरअसल हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला की रणनीति है कि वो इजरायली सेना का ध्यान रफा से हटाकर लेबनान बॉर्डर पर ले आए। और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल के मेतुला सेटलमेंट पर बमबारी की है, जिसमें इजरायली सेना के 2 जवानों की मौत हो गई है। इजरायली फौज ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है। IDF का कहना है कि एक आत्मघाती ड्रोन मेतुला सेटलमेंट में आकर फट गया था, जिसकी चपेट में इजरायली सैनिक आ गए थे। हालांकि IDF ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। और इस हमले को लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 6 मई 2024 को इजरायली सेना पर सिर्फ एक हमला नहीं किया, बल्कि उसके लड़ाकों ने IDF पर कई सिलसिलेवार हमले किए हैं। और सुबह 11:30 पर हिजबुल्ला ने एक अटैक किया, जिसमें हिजबुल्ला ने मेतुला में एक ड्रोन IDF के ठिकाने पर दाग दिया था। और इस हमले में इजरायल के 2 सैनिकों की जान चली गई, जबकि कई सैनिक घायल भी हुए हैं। इस अटैक से पहले सुबह 9 बजे हिजबुल्ला ने गोलन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर कत्यूशा रॉकेट से बमबारी की थी, जो नाफा मिलिट्री बेस पर स्थित है। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने हदाब यरून मिलिट्री बेस पर उपयुक्त हथियारों से एक और हमला कर दिया था। हिजबुल्ला ने इस हमले का एक एयर सर्वेलांस फुटेज भी जारी किया है, जिसमें टारगेट्स और मेतुला में IDF यूनिट पर हमले की जानकारी दी गई थी। इस वीडियो के मुताबिक इजरायली सैनिक नहाल आयून में एक पार्किंग लॉट में पोजीशन लिए हुए थे, जो घने जंगल और पेड़ों से घिरा हुआ था। और यहां पर IDF की 98 डिवीजन की हेडजी हाइश 551 ब्रिगेड का जासूसी सेंटर था, जिसमें IDF सर्वेलांस मिशन और अन्य यूनिट से हमलों के ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। और हिजबुल्ला ने इसी सेंटर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है।